हाउ मच आई अर्न फ्राम यूट्यूब, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में मैं आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दूंगा, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं कि यूट्यूब पे 1000 व्यूज़ के कितने पैसे देती है और मैं यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी कितनी अर्निंग हो चुकी है, यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या है, चैनल को अगर कोई न्यू भी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो है। पूरा वीडियो वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, सबसे पहले यूट्यूब के क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको यूट्यूब को ज्वाइन करने के लिए आपको एक अदर चैनल चाहिए। चैनल जो है बहुत इजीली बन जाता है, क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे और आपका चैनल जस्ट क्रिएट हो जाएगा। सेटिंग बेशक आप वीडियोस अपलोड करने के बाद भी करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता उसका। और अगर चैनल मोनेटाइज करवाना है, मोनेटाइज क्या होता है, मोनेटाइज होता है कि जब आप यूट्यूब का जो एक गिवन क्राइटेरिया है कि आपने इतनी इतनी चीज़ें पूरी करनी है, इतने सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, इतने वॉच टाइम पूरा करना है, जब आपको वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो फिर यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज कर देती है। मोनेटाइज का मतलब होता है कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है उस यूट्यूब चैनल से, मतलब कि आप के जब वीडियोज़ पर एड चलते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब की तो उसमें ऐड आ जाता है, समटाइम्स फूड पांडा का आ जाता है, बाइक का आ जाता है, इन ड्राइवर का आ जाता है, जब वो ऐड आता है आप जब उस ऐड को स्किप करते हैं तो उस स्किप करने पर जो क्रिएटर होता है यूट्यूब को उसको पैसे मिलते हैं, उसकी अर्निंग होती है, इस तरह अर्निंग होती है। और जो क्राइटेरिया है वो यूट्यूब का आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए टोटली और 4000 घंटे वॉच टाइम आपको चाहिए। वॉच टाइम क्या होता है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं जितनी आपने यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं कम्यूलेटिव सब वीडियोज़ को मिलाकर आपको 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, मतलब 4000 घंटे की वीडियोस आपकी जो ऑडियंस है उन्होंने देखी होनी चाहिए। अब वो एक वीडियो में आए, चाहे दो वीडियो पे आए, चाहे 100 वीडियो अपलोड करने के बाद कंप्लीट हो, तो वो डिपेंड ऑन योर वीडियो क्वालिटी और कंटेंट, ठीक है। और मैं कितना यूट्यूब से अर्न करता हूँ यार, अभी चूँकि मेरा इनिशियल स्टेज है चैनल की और एजुकेशनल चैनल था, अभी मैंने इतना अर्न नहीं किया यूट्यूब से। अगर 1000 व्यूज़ की बात करें तो अगर ऑन एवरेज हम देखें तो यूट्यूब 1000 व्यूज़ का 0.34 डॉलर देती है, $0.34 ऑन एवरेज अगर हम बात करें पाकिस्तान में। तो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो थी वो पाकिस्तान की थी और मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज़ भी नहीं थे क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट था। और जो अर्निंग मेरी हुई है अब तक की यूट्यूब से वो सच बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, $65 आप देख लेंगे कितने बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। $65 जो है मेरी यूट्यूब की अर्निंग हुई है, जब तक आपके $100 कंप्लीट ना हो आप तब तक विड्रॉ नहीं करवा सकते। हाँ, मैंने इस यूट्यूब चैनल से सीखा बहुत है कि लोगों को किस किस्म का कंटेंट चाहिए, वो क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, यूट्यूब का क्राइटेरिया मैं कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ, जो प्रोज एंड कॉन्स थे, जो मैं गलतियाँ कर रहा था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और दैट्स इट, ये चीज़ें हैं कि $65 मैंने कमाए हैं। और अगर आप यूट्यूब, हाँ, सोर्स बहुत अच्छा है, इनकम स्ट्रीम जो है ना आपकी यूट्यूब से, अगर आपके एक दफ़ा पैसे आने शुरू हो गए ना तो बहुत अच्छा सोर्स है ये, आपकी पैसिव इनकम है। आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं, जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी वीडियोस लोग देख रहे हैं और आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप इसको प्रॉपर एक चैनल, प्रॉपर एक अपनी जॉब लेके इसको शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर आप एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, बहुत बहुत स्कोप है इस यूट्यूब का। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा तो आपकी बहुत मज़े हैं आपके, ठीक है। बस मैंने बताया आज की इनकम रिवील की है मैंने कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है। चैनल का क्राइटेरिया जो कंप्लीट करने में मुझे वक्त लगा है वो 6 से 7 महीने लगे हैं, मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, मोस्टली 4 से 5 महीनों में क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी का इंटरटेनिंग कंटेंट हो, मुझे ज़्यादा से जैसे लगा कि मेरी एजुकेशनल वीडियोज़ थी लोग कम देखते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।